क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है ना। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है ना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और उसकी जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो, तो वो हेलिकल पाथ पर चलता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही हो, जैसा कि ये केस है। ये जो क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू हैज एन इनिशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी नॉट जे कैप। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में। सपोज पार्टिकल यहां पर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है वाई डायरेक्शन, ठीक, वी नॉट। तो ये कहा गया इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप एक्ट ऑन द पार्टिकल। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक, ऐसा कहा गया। तो हमें बताना है इट्स स्पीड विल डबल आफ्टर ए टाइम। उसका स्पीड शुरू में वी नॉट है, उसकी वेलोसिटी जो है, उसका स्पीड जो है टू वी नॉट कितनी देर बाद हो जाएगा वो हमें टाइम बताना है, ठीक। तो ऐसा केस जो है आपने पढ़ा होगा, है ना, हमारे वीडियो लेक्चर में भी है। उसमें क्या होता है कि अगर इस टाइप का कंडीशन बन रहा हो तो पार्टिकल हेलिकल पाथ पर चलता है और चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो उस हेलिकल पाथ का जो पीच है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करता है चार्ज पार्टिकल, ऐसे, है ना। ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जो है स्प्रिंग जैसा कुछ ये चलेगा पार्टिकल, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल जो है वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। वाई जेड प्लेन के, है ना, वाई जेड जो प्लेन है इस प्लेन के पैरेलल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, जबकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर क्या करेगा, इधर एक्सेलरेशन आएगा, इधर भी वेलोसिटी आएगी, इधर भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इधर आएगा, तो ऐसे घूमते हुए ये इस तरह से इधर आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये वाली जो वेलोसिटी है जो वाई जेड प्लेन में है वो चेंज नहीं होती। मतलब कि वेलोसिटी चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, है ना, स्पीड चेंज नहीं होता। वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो इस वाई जेड प्लेन में स्पीड फिक्स्ड रहेगा, है ना, लेकिन इस डायरेक्शन में स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो वाई जेड प्लेन में लगेगा, वाई जेड प्लेन के पैरेलल लगेगा, तो ये वर्क नहीं करता, तो इधर वाली वेलोसिटी नहीं बदलेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है तो इधर वाली वेलोसिटी बदलेगी। तो किसी भी इंस्टेंट पर दो तरह की वेलोसिटी आ सकती है, है ना। इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे तो एक आएगा वाई जेड प्लेन में, है ना, एक वाई जेड प्लेन में होगा और एक डायरेक्शन में होगा एक, तो ठीक, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो जो हम स्पीड निकालेंगे या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो निकालेंगे कुछ इस तरह से वी नॉट स्क्वायर। ये वाई जेड प्लेन वाला हमेशा स्पीड वी नॉट रहेगा और एक्स डायरेक्शन वाला, सपोज एक्स डायरेक्शन में ये है वी एक्स, इसका स्क्वायर का रूट, ऐसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, है ना। अब नेट स्पीड जो है कहा कि इनिशियल वाले के डबल करना है, ये टू वी नॉट हो गया, स्क्वायर कर देते हैं इधर भी और इधर भी, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा फोर वी नॉट स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा रूट थ्री वी नॉट, है ना। हमें पता है कि जो वी एक्स होता है वो होगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। सिंपल काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें बताना है, ये आएगा रूट थ्री वी नॉट
इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में नहीं था, सारा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में था, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जीरो, और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई मास, ये एक्सेलरेशन आएगा एक्स डायरेक्शन में इंटू टी। तो यहां से हम लोग टी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि इतने टाइम के बाद जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो रूट थ्री वी नॉट होगी, टोटल वेलोसिटी जो है वो टू वी नॉट होगी। तो यहां से टाइम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट थ्री एम वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू ई नॉट, है ना। तो देखेंगे ये जो ऑप्शन है वो थर्ड वाले में दिया गया है ना, रूट थ्री एम वी नॉट बाई क्यू ई नॉट।